So guys, फाइनली 1 साल के बाद हम लोग इस अपार्टमेंट को छोड़ के मूव करने वाले हैं न्यू लोकेलिटी में, न्यू अपार्टमेंट में। तो अरुण अभी लगे हुए बेड को डिसमेंटल करने। तो ये देख लो हमारा सारा सामान इस सोसाइटी की 1 साल की यादें लेके हम जाएंगे नई सोसाइटी में। एरिया सेम ही है, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का फर्क है, पर अच्छा है क्योंकि वो एकदम नई वाली जो बिल्डिंग है वो एकदम मेट्रो स्टेशन के सामने है, तो उसका मुझे बहुत फायदा है। So, hey guys, good morning, welcome to this new vlog। आज का व्लॉग बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग फाइनली शिफ्ट कर रहे हैं। पूरे 1 साल बाद शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब न्यू अपार्टमेंट में, तो जिसके लिए हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। हम उठ गए थे 6 बजे, अभी टाइम हो रहा है 7, तो मूवर्स एंड पैकर्स वाले आने वाले हैं। तो पैकिंग तो मैंने कर ली थी, जैसे कपड़े वगैरह हो गए, कबर्ड मैंने अपनी खाली कर ली है। अरुण के कपड़े रहते हैं क्योंकि ये हमारे पास जितने भी सूटकेस थे ये भर चुके थे, तो हमने बोला चलो मूवर्स एंड पैकर्स वाले आएंगे तो फिर वो लोग एक कबर्ड का सामान वो लोग पैक करवा देंगे। बाकी भी थोड़ा बहुत तैयारी हमने कर ली। अपना जो बेड वगैरह आया था वो डिसमेंटल हो चुका है, कल आपको पीछे आपको दिखाया होगा वीडियो में। तो बस हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं आप लोगों के साथ भी ये न्यूज शेयर करने के लिए, और वहां जाके हम आपको पूरा घर का होम टूर दे देंगे, पूरी लोकेलिटी का होम टूर दे देंगे। सो वी कैन नॉट वेट कि हम आप लोगों के साथ जहां हम शिफ्ट हो रहे हैं वो वाली लोकेलिटी को कब शेयर करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस व्लॉग। आगे हम वहां पहुंचते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि हम कहाँ शिफ्ट करने वाले हैं। बस अभी मैं लगी हूँ ग्रीन टी पीने, थोड़ा सा फ्रेश होकर होश आ जाएगी ग्रीन टी पी के, क्योंकि इतनी जल्दी उठने की आदत तो है नहीं है, पर आज तो उठना ही पड़ना था। तो गाइस मैं ये ग्रीन टी एंजॉय करती हूँ। अगर आप लोग न्यू है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं हूँ साक्षी पठानिया और मैं बनाती हूँ ट्रैवल, लाइफस्टाइल एंड डेली व्लॉग्स। उसमें हम किचन का डाल देंगे। ये वाला डब्बा पैक हो गया, एक ये हो चुका है पैक। ये तो वैसे ही हमारा पूरा सेट था बर्तन का, और ये जो बड़ा बड़ा सामान है ये तो गाड़ी में लोड होके चला जाएंगे। ये टीवी वगैरह, ये सब बेड वगैरह, गद्दा, बाकी ये हम खुद लेके जाएंगे। इसमें लैपटॉप वगैरह, चार्जर्स, और रह गए हैं ये कपड़े। वो हो रही है हमारी मशीन पैक। ये हो गई वॉशिंग मशीन पैक। और क्या बचा? और ये जो डब्बे ऑलरेडी पैक हो चुके हैं ये सब। काफी बॉक्स हो गए हैं। पैकिंग हो गई है खत्म। अभी ये लोग सामान शिफ्ट कर रहे हैं नीचे, अपनी गाड़ी में भर के फिर ले जाएंगे। ये देखो ये सारा हो गया पैक हमारा। हमारे सूटकेस है, उसका एक्स्ट्रा लग रहा था 5000, आई थिंक पर बैग 1000। नहीं तो वही हो गया, 5 ही तो बैग है। अरे 2000 एक्स्ट्रा पड़ रहे थे। सामान सारा मूव हो चुका है, घर देख लो एकदम खाली है। बस पीछे जो आंटी का सामान है वही रह गया, हमारा सामान सारा चला गया। थोड़ा बहुत मतलब वही अपने पर्स वगैरह वो सब रह गए, बाकी अरुण रह गए हैं, अरुण को लेके जाना है। चलो चलो निकलो, सारा सामान खाली कर दिया। चलो चलो निकलो, सारा सामान खाली कर रहे हम। बस अरुण रह गए, अरुण को लेके जाना है और फिर घर खाली। नहीं आप भी पढ़े, चलो सामान चला गया। And I'm very excited. We are very excited to move into our new flat. वहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ कब पहुंचे, और वहाँ की बालकनी बहुत मस्त है, तो वहाँ बालकनी में जाके मस्त गरम गरम अदरक वाली चाय पियेंगे। बालकनी में ऐसे खूब अच्छी सी हवा मस्त आती है। जो हमारी ये वाली बालकनी थी इसके आगे तो बिल्डिंग थी हमारी, तो हवा वो ब्लॉक हो जाती थी और व्यू भी नहीं था, तो वहां से व्यू भी मस्त है और हवा भी बहुत अच्छी आती है। तो ये सामान जो हमारी गाड़ी में है ये रहा, और बस अभी हम लोग भी जा रहे हैं क्योंकि जो पैकर्स एंड मूवर्स वाले हैं वो ऊपर खड़े हैं ग्राउंड फ्लोर पे, वेट कर रहे हैं हम लोगों का। तो बस हम भी निकलने लगे हैं। अभी सामान ऑलमोस्ट हमने सारा ले ही लिया है, बस लास्ट में आके एक बार अरुण गेड़ा मार जाएंगे इस घर का भी, ताकि कुछ रह गया होगा तो फिर वो भी ले आएंगे। कि मूवर्स एंड पैकर्स वालों का वेट करना है क्योंकि आगे हम चलेंगे, पीछे वो हमको फॉलो करके नए वाले एड्रेस में हम ले जाएंगे। और ज्यादा दूर भी नहीं है यहाँ से, खाली 2 किलोमीटर का ही फर्क है, तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं। आ गई गाड़ी ये ना ब्रोज वाली, ठीक है। बाकी हमारे यहाँ पे कोई ये एग्जीबिशन सी लगी हुई थी पर हमें टाइम नहीं मिला जाने का। दस्तकार हाथ 6 हैंडलूम एंड हैंडक्राफ्ट की एग्जीबिशन। हमारी नई बिल्डिंग जो बिल्डिंग दिख रही है बस यही मूव इन करने वाले हैं हम लोग। जैसे ही फ्लाईओवर खत्म होगा एक साइड आ जाता है मेट्रो, जो वो लंबा से आपको बिल्डिंग दिख रही है बस वो मेट्रो स्टेशन है और ये सामने बिल्डिंग है। तो मेरे ऑफिस जाने के मजे हैं। तो गाइस हम लोग अपने नए फ्लैट में आ गए हैं, अभी सामान हमारा मूव इन हो रहा है तो मैं छोटा सा एक टूर दे देती हूँ। अभी मैं खड़ी हूँ हॉल में, तो ये हॉल है, ये सामने बालकनी है, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू और हवा भी बहुत अच्छी आ रही है, और ये सामने मेट्रो स्टेशन ठीक है, और ये नीचे का है सब पार्क वगैरह, और ये सामने ये फ्लाईओवर वगैरह है, मतलब अच्छा व्यू है खुला। तो ये रूम है एक, यहाँ पे अभी बेड तो किसी और का ही पड़ा हुआ है, रेंटेड था, ये आज चला जाएगा और हमारा आ जाएगा, हमारा आ ही गया हुआ सामान। तो ये एक रूम है, ये हो गया हॉल, ये हो गया डाइनिंग एरिया, और ये हो गया किचन, साथ में इधर एक वो है यूटिलिटी, यहाँ पे मशीन वगैरह रख सकते हैं, ये है यूटिलिटी, ये भी पूरी क्लोज्ड है और एक जाली वाला वो भी है ताकि हवा आती रहती है, इधर में वेंटिलेशन अच्छी है, खूब हवा आती रहती है। और ये तो हम हटा देंगे, ये वॉशरूम है और ये एक रूम ये है, तो यहाँ से भी पूरा व्यू मस्त है, यहाँ से ये बाहर का जैसे व्यू है। तो बस आज का दिन हमें लग जाएगा सेटिंग वगैरह करने में। मैं आ गई हूँ रूम में, मैं सामान रखवा रही हूँ और अरुण नीचे कुछ मूव इन की जो भी वो फॉर्मेलिटीज वगैरह करनी होती वो करवा रहे हैं। ये सामान आ गया हमारा, इन्होंने पैक भी करवा दिया, तो अब अनपैक करके डब्बे ये लोग ले जाएंगे अपने साथ। तो ये हमारे टोटल बने थे हमारे 10 डब्बे। तो मूवर्स एंड पैकर्स वाले तो चले गए हैं, ये सामान है, तो इनकी अच्छी चीज़ ये है कि डब्बे ये लोग अपने वापस ले जाते हैं, तो सारा सामान ऐसे पड़ा हुआ ना बिखरा हुआ, बस अब ये हमने अरेंज करना है। तो एटलीस्ट डब्बों से निकालने वाला काम खत्म हुआ, पैकिंग वाला काम खत्म हुआ, इतने सारे 10 डब्बे हो गए थे तो लिफ्ट से लेके यहाँ तक आने में, तो उसके बाद जो ये बेड की ये लकड़ी लानी थी, ये मतलब बहुत थक जाते हैं, स्पेशली खासकर ये ज़्यादा काम तो अरुण को ही करना पड़ता तो बहुत थकान हो जाती, जैसे ये सब आ गया तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई है। तो प्लान ये है कि ये सारा सामान साफ करके मैं डालती हूँ अलमारी में, ताकि यहाँ पे जगह बन जाए और यहाँ पे हम बेड अपना लगा लें, क्योंकि बैठने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, ऐसे मैं भटक रही हूँ इधर उधर कि कहाँ बैठूँ। तो फटाफट इसको साफ करते हैं। तो गाइस ये शाम की चाय हमारी रेडी है। कप मुझे एक ही दिख रहा था तो अरुण की, तो मैंने उसमें डाल दी, अपनी मैंने इस ग्लास में डाल दी है। अरुण पसर गए हैं नीचे, मजे से मस्त हवा चल रही है, इस व्यू के साथ हम पियेंगे चाय, और कपड़े उड़ गए, हवा बहुत चल रही है। तो और हम सोच रहे हैं इसको भी हटा के ये रस्सी हटा देंगे और वो ले लेंगे एक क्लॉथ स्टैंड। बाकी व्यू मस्त है यहाँ से, हवा तो ऐसी मस्त, ऐसी ठंडी ठंडी हवा, मतलब सुबह से आज धूप नहीं निकली और सिर्फ हवा ही चल रही थी, और बारिश भी लग पड़ी है नाइस, पर अभी आपको दिखेगी नहीं यहाँ से।